ऐसा नहीं है कि एक बिजनेसमैन है करोड़ों रुपए कमा रहा है तो वो सक्सेसफुल है, नहीं। हमने पूरी जिंदगी खुद को डिस्कवरी नहीं किया, सब कुछ वही किया जो दूसरों ने बोला, दूसरों ने कहा, तो फिर सेल्फ को डिस्कवरी नहीं कर पाए। दोस्तों सक्सेस का मतलब क्या होता है? देखिए आप किसी से पूछोगे ना, आप एक स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो कहेगा एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना सक्सेस है। आप एक बिजनेसमैन से पूछेंगे वो कहेगा एक बिजनेस को बड़ा करना सक्सेस है। अगर आप किसी हाउस मेकर से पूछेंगे वो घर को चलाना सक्सेस है, अच्छे से चलाना। एक सिंगर कहेगा अच्छा गाना गाना सक्सेस है। क्या यही सब सक्सेस है? यानी कि हर एक इंसान के लिए अलग अलग मतलब है सक्सेस का, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के लिए। लेकिन क्या कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि क्या ये इंसान सक्सेसफुल है या नहीं है? देखिए सक्सेस का असली मतलब होता है सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, अपने आप को डिस्कवर कर सको। सर डिस्कवर करना, कैसे डिस्कवर करेंगे अपने आप को? यानी कि आप जैसी लाइफ जीना चाहते हो वैसी लाइफ आप जी सको, जहां आप जाना चाहते हो, जैसा खाना आप खाना चाहते हो, जिससे आप जो बोलना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आपके गोल्स हैं, जैसा आप चाहो वो आपको मिल जाए, दैट इज रियल सक्सेस। ऐसा नहीं है कि एक बिजनेसमैन है वो करोड़ों रुपए कमा रहा है तो वो सक्सेसफुल है, नहीं। हो सकता है उसके गोल्स कुछ और हो, उसके हैबिट्स कुछ और हो, उसके सपने कुछ और हो, वो अचीव नहीं कर पा रहा क्योंकि वो पैसे कमाने में लगा हुआ है सिर्फ, तो वो सक्सेसफुल इंसान नहीं है। तो सक्सेस का मतलब आपको समझ में आ गया क्या है? दोस्तों आज हम सब जहां भी हैं, आप मैं इस दुनिया में हर इंसान जहां भी है, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? अपनी चॉइसेस की वजह से, कि जो उसने चूज किया वहां तक पहुंचने के लिए वही उसको वहां तक लेके आया है। यानी कि एक स्टूडेंट क्लास में फर्स्ट आ रहा है, एक स्टूडेंट लास्ट आ रहा है, तो दोनों में क्या फर्क है? उनकी चॉइसेस का। एक बिजनेसमैन बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, एक बिजनेसमैन अच्छा नहीं कर रहा बिजनेस, क्यों? उनकी चॉइसेस की वजह से। आज एक शराबी ठेके बैठ के दारू पी रहा है और एक इंसान बैठ के बुक्स पढ़ रहा है, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर रहा है, चॉइसेस। तो फ्रेंड्स आप आज जहां भी हैं और मैं आज जहां भी हूं हमारी चॉइसेस की वजह से हैं। सर लेकिन हम कैसे सिलेक्ट करें कि क्या हमको चूज करना है या कैसी चॉइसेस हमको लेनी है? देखिए हम क्या करते हैं कि मैं गया अपने पेरेंट्स के पास, उनसे मैंने कुछ एडवाइस ली कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं करूं कि ना करूं। किसी फ्रेंड के पास गया, फ्रेंड से एडवाइस ली कि दोस्त भाई ये मुझे एक बात बता, मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं करूँ कि ना करूँ। यानी कि हम डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से एडवाइस लेते हैं। फिर होता क्या है, हम एडवाइस भी ऐसे लोगों से लेते हैं जिनको खुद को नहीं पता होता। इस केस के अंदर हम उन बातों को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर देते हैं, खुद को डिस्कवर नहीं करते। लेकिन अगर हमने पूरी जिंदगी खुद को डिस्कवर ही नहीं किया, सब कुछ वही किया जो दूसरों ने बोला, दूसरों ने कहा, तो फिर सेल्फ को डिस्कवर ही नहीं कर पाए, That is not success। अभी हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर कि कैसे आप कुछ चीजों को इंप्लीमेंट करके लाइफ में अपने आप को सक्सेसफुल इंसान बना सकते हैं, प्लस में आने वाले 5 साल में करोड़पति बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज है बुक्स। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा पैसा भी कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा बुक्स भी कौन सी पढ़े, कहाँ से पढ़े, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो हम सब ने आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट बुक्स लेंगे, जो बहुत अच्छी बुक्स हैं उनको पढ़ेंगे, उनकी समरी आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे, बताएंगे। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की भी जरूरत नहीं है। उसके लिए नीचे दिए गए मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार आए हैं तो। फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाके जरूर फॉलो कर लो, वीडियो के ऊपर पोस्ट करके आपको वहां पे सारी अपडेट्स मिल जाएगी और ये वीडियोस बुक्स की भी मिलने वाली है आपको वहां पे। अब जो बुक्स है, बुक्स हम कैसे पढ़ें? देखिए जो आपके गोल्स हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं, आप एक सिंगर बनना चाहते हैं तो आप उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ेंगे। कहते हैं कि बुक्स जो होती है वो इस दुनिया की सारी प्रॉब्लम को खत्म कर दे, यानी कि इस दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं अगर हम इस दुनिया की सारी बुक्स पढ़ लें तो उन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास तो प्रॉब्लम पूरी दुनिया की तो नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ हमारी प्रॉब्लम्स हैं। तो जो आपके गोल्स हैं, जहां आप जाना चाहते हो, हमें सिर्फ उससे रिलेटेड बुक्स को पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, तो मुझे ऐसी बुक्स को पढ़ना है जिसमें बिजनेस के बारे में बताया गया हो,
जिसमें बिजनेस स्ट्रेटेजीज के बारे में बताया गया हो, जिसके अंदर बिजनेस को कैसे ग्रो करना है उसके बारे में बताया गया हो। तो अगर मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ, मैं एक आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ, तो यानी कि अपने गोल्स के अकॉर्डिंग आपको बुक्स को रीड आउट करना है। क्या कहते हैं कि जो लाइब्रेरी होती है ना, कभी गए हो लाइब्रेरी स्कूल कॉलेज में, दूर से भाग जाते थे एकदम से, लेकिन अब समझ में आ गया है कि उस टाइम कोई समझाने वाला नहीं था। जो लाइब्रेरी होती है ना वो सोने की खान होती है, जो बुक्स होती है ना, बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड्स, वो कभी झूठ नहीं बोलते। बुक्स से दोस्ती कर लो, जीवन में कामयाब बन जाओगे, और बुक्स पढ़ने की हैबिट डाल लो डेली पढ़ने की। अगर नहीं पढ़ी जाती है, कुछ लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, इंग्लिश में अच्छी अच्छी बुक्स काफ़ी होती है, हिंदी में भी काफ़ी है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को, मेरे को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अभी एक बार इसको पोस्ट करके वहाँ पे फॉलो कर लो। अभी आपको वहाँ पे हम एवरी संडे अभी प्लान कर रहे हैं, आपको सारी बुक्स हम लोग वहाँ खुद पढ़ के उनसे क्या लर्निंग्स मिल रही है आपको पूरा बताएंगे वहाँ पे, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। देखिए, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारी संगत, हमारी कंपनी, यानी कि जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं, जिन लोगों के साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, जिनके साथ हम एडवाइस लेते हैं, ऐसे लोगों की कंपनी, ऐसे लोगों की संगत ही हमें बताती है कि हमें आगे कहाँ जाना है, क्योंकि ऐसे ही लोग हमें पुश करते हैं आगे जाने के लिए, और ऐसे लोग हमें नीचे दिखाते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखो, इसमें आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, इनफैक्ट तीन तरह के लोग मिलेंगे। पहले तरह के कैसे लोग मिलेंगे, जो इनको खुद को नॉलेज नहीं है किसी चीज की, और आपको एडवाइस करेंगे कि भाई तू भी ये काम मत कर, यानी कि खुद को पता नहीं है और आपको भी नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, ताकि आप कोशिश ही ना करें आगे बढ़ने की। अच्छा, दूसरी कैटेगरी में कैसे लोग मिलेंगे, ये वो लोग हैं जिनको नॉलेज है और आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। और तीसरे लोग ऐसे मिलेंगे कि जिनको खुद को नॉलेज नहीं है, बट आपको नीचे नहीं गिराएंगे, वो आपको पुश करेंगे, आपको बोलेंगे मेरे को इसकी नॉलेज नहीं है, एक ऐसे इंसान के पास जाओ जिसकी इसके पास नॉलेज है, हाँ अगर तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो तो डेफिनेटली कोशिश करो और तुम जरूर करोगे। तो पहले और तीसरे, ये जो दो कैटेगरी के लोग हैं, हमें इनकी संगत चाहिए, ऐसे लोगों का साथ चाहिए, अच्छा इसमें जो आपके गोल्स है, हमने गोल डिसाइड करोगे आप कि मुझे क्या अचीव करना है, उस गोल से रिलेटेड उस काम में जो एक्सपर्ट लोग हैं, उन एक्सपर्ट लोगों को आपको अपने साथ में रखना है, सब लोगों को साथ में नहीं रखना, बाकी लोगों को दूर कर दो, जो भी रिलेवेंट लोग हैं, जो आपको रोकते हैं आगे बढ़ने से, आपको काम नहीं करने देते, उन सब लोगों को दूर कर दो। तो ये संगत, ये आपकी कंपनी आपको बहुत आगे लेके जाने वाली है। दोस्तों, तीसरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज योर हायर गोल्स, यानी कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो कुछ ना कुछ तो गोल हम डिसाइड करेंगे, तो वो गोल हम रखेंगे अपने, और गोल छोटे नहीं बनाने, गोल बड़े बनाने हैं हमको, यानी कि अगर हम बड़े गोल रखेंगे तो हमारा माइंड हमें वैसे इंस्ट्रक्शन देगा और हम काम भी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन सर, क्या बड़े गोल बनाने से सक्सेस मिल जाएगी? मैंने आज सोचा मुझे महीने का 2 करोड़ कमाना है, सॉरी वो ज्यादा हो गया, मुझे महीने का 2 लाख कमाना है, तो क्या 2 लाख कमाने लग जाऊंगा महीने का मैं? नहीं, आप नहीं कमाएंगे ऐसे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको उस टारगेट तक पहुंचने के लिए आपको प्लान्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। आपने माइंड को बोला मुझे महीने का 2 लाख कमाना है, आपने गोल हायर गोल रखा, बड़ा गोल रखा, छोटा गोल नहीं रखा 8-9 हजार का। अब आप उसके लिए टू डू लिस्ट बनाएंगे कि इस गोल तक पहुंचना है तो मुझे ये मुझे काम करने पड़ेंगे, आप प्लान्स बनाएंगे, आइडियाज बनाएंगे। उसको बनाने के बाद में फिर क्या करना है, फिर उनको इम्प्लीमेंटेशन करना है, उनको एज ए टूल यूज करना है, अपने फोन में रिमाइंडर्स डालने हैं, अच्छे लोगों से बात करनी, जो कि हमने सेकंड पॉइंट में समझा था, अच्छी बुक्स पढ़नी है, हमने फर्स्ट पॉइंट पे समझा था उस गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन गोल हमेशा बड़े रखो, छोटे गोल नहीं रखो, चिन्नी नहीं यार, चिन्नी गोल नहीं, छोटे मोटे नहीं, बड़े गोल रखो। बड़े गोल रखोगे तो सक्सेस उसी अकॉर्डिंग मिलेगी, छोटे गोल रखोगे सक्सेस उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। तो आई होप कि तीनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं कि अगर आपको अगले आने वाले 5 साल में अपने आप को बिल्कुल चेंज करना है, एक अच्छी ग्रोथ लेनी है, अगर आपको करोड़पति बनने आने वाले 5 साल में, इन तीनों पॉइंटों को आज से ही इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। क्या क्या था? बहुत अच्छी बुक्स पढ़ना, दूसरा आपकी संगत, आपकी कंपनी, और तीसरा आपके हायर गोल्स। इन तीनों चीजों को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, आने वाले 5 साल में डेफिनेटली आप एक बहुत कामयाब इंसान बन जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके उत्साह बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पहली बार चैनल पे आए हैं तो YouTube, Facebook, Instagram पे फॉलो कीजिए, आने वाली बुक की पूरी सीरीज को देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।